Assalamu alaikum, I'm Sayyid Nadeem Shirazi, and today's topic of discussion is how to elect president of Pakistan. Pakistan ka president ka election ye kis tarah se hota hai aur overall ye government jo banti hai, aapko pata hai Pakistan mein federation ka structure hai. Pakistan is a federation. This federation is consisted of four major units with autonomy, उनको proper autonomy दी गई हुई है और जो representation है जो basically इस federation को represent करता है वो institution of president है. ठीक है, president किस तरह से elect होता है जो कि head of state है इस federation का head है, तो वो basically हमारा topic है, उसको हमने discuss करना है. उसका basic जो election है that is main concern. इसमें formulaic वोटिंग होती है. जस्ट उस फार्मूले वोटिंग को देखना है कि वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए से आपके, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर बात इस तरह से की जाए, स्टेट का जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट. तो हाउ दिस हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड. ठीक है, अब उसमें आपको पता है ये स्टेट क्या है? फेडरेशन है. इस फेडरेशन में, इस फेडरेशन के स्ट्रक्चर को जो किस तरह से प्रॉपर हेड जो है उसका, वो पूरी फेडरेशन उसमें पार्टिसिपेट करती है. फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ठीक है, इसके इलेक्शन में जो दूसरे यूनिट्स हैं, जिस तरह से पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है, वो किस तरह से उनकी असेंबलीज, वो क्या किस तरह से फार्मूला, एक फार्मूला जो है वो फार्मूलिक वोटिंग होती है जिसके जरिए से इसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. तो लेट्स स्टार्ट किस तरह से वो सारा इंशाल्लाह देखते. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट. ठीक है, स्टेट हेड. अब नीचे सारी जितने भी वो हायरार्की वाइज सारी चीजें दी हुई हैं. देन प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, रियल पावर्स जो है वो सारी इसी की हैं, बट वो एक्चुअल सेंस में वो पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट. ठीक है, ये यूनिटी ऑफ फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है. देन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56, उसमें सिकंदर मिर्जा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने. ठीक है, देन क्वालिफिकेशंस ये दी हुई हैं. ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है जस्ट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, और क्योंकि फेडरेशन है पाकिस्तान तो फेडरेशन किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो किस तरह से, वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए से वो असेंबलीज बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमारा मेजर टॉपिक है. अब President of state is elected by members of both the houses of parliament at a joint sitting through secret ballot. Chief election commissioner is responsible to conduct the election. ठीक है, अब ये इसकी powers and functions हैं, but हमारा major concern ये process of election है. Process of election of president, इसमें जो major वो formula है, वो formula की voting है, that is major concern. अब provincial assemblies, आपको पता है provincial assemblies क्या हैं, ये units है ना, ये यूनिट्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन के अंदर. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंस इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बलूचिस्तान टू ड्रॉ द रेशियो ऑफ वोट्स. जिस तरह से उसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं. ठीक है, वो पंजाब असेंबली के लेट से 371 मेंबर्स हैं. अब कितने वोट्स जो हैं वो पंजाब असेंबली से वो इक्विवेलेंट होंगे वन वोट के. ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला दिया गया है वो क्या है कि 375 डिवाइडेड बाय 65, तो आंसर वुड बी 6. तो वहां पे 6 मेंबर्स जो हैं पंजाब के, 6 मेंबर्स डिनोट आर वुड बी इक्वल टू वन वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ये बात समझने वाली है. ठीक है, 6 members equal to 1 vote in presidential election. Then KPK assembly is consisted of 124 members, so divided by 65 is equal to 2.
तो वहां पे टू मेंबर्स इज इक्वल टू वन वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. देन सिंध असेंबली के 178 मेंबर्स हैं, वो डिवाइडेड बाय 65, तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा. तो वहां पे 3 मेंबर्स जो हैं वो असेंबली के वुड बी इक्वल टू वन वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. देन बलूचिस्तान असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 65. अब बेंचमार्क भी बनाया गया है बलूचिस्तान असेंबली को, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बलूचिस्तान असेंबली के मेंबर्स को बेंचमार्क बनाया गया है, जो कि सारे असेंबलीज जितनी तीनों दूसरी असेंबलीज हैं और इवन बलूचिस्तान की असेंबली भी, उसको डिवाइड किया जाता है असेंबली की जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर, 65 डिवाइडेड बाय जो असेंबली जिस असेंबली की बात करें असेंबलीज मेंबर्स. तो जो आंसर आएगा बेसिकली जो भी आएगा वो इक्वल टू वन वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो अगर अब बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के 65 मेंबर्स हैं, तो 65 को भी डिवाइड किया जाएगा 65 पे, तो इज इक्वल टू वन. ठीक है, अब ये वहां पे वन मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान वुड बी इक्वल टू वन वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे जो रीजन है ये बेसिकली प्रोविंशियल असेंबलीज जो यूनिट्स हैं, बेसिकली जो आपके जो फेडरेशन के अंदर यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, वो मैं आपको फार्मूलिक वोटिंग बताइए. और वो इस तरह से है, ये एक तो ये फार्मूलिक वोटिंग ये किस लिए, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट करे. इसमें सबसे कम जो है वो बलूचिस्तान की ही बेसिकली मेंबर्स है ना, उसकी असेंबली के मेंबर सबसे कम है, तो उसको भी इक्वल जो है वो वेटेज मिले जितनी के सबसे ज्यादा असेंबली पंजाब के मेंबर्स सबसे ज्यादा हैं, तो उनके इक्वलेंट सिंध अपना बलूचिस्तान और केपी के ये सारे इक्वलेंट अपनी इनकी जो लीवरेज है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो हो. तो फॉर दैट पर्पस ये फार्मूला डिवाइस किया गया है, जिससे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपके प्रोविंशियल असेंबलीज पार्टिसिपेट करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं, और दूसरी वोटिंग पार्लियामेंट में होती है. ठीक है, वो जॉइंट सिटिंग में होती है, वो बेसिकली पार्लियामेंट के हाउस के अंदर होती है. ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो उसका प्रोसेस था, उसके अंदर ये फार्मूलिक वोटिंग होती है. और ये फार्मूलिक वोटिंग का पर्पस भी आपको बताया कि इक्वालिटी इक्वल लीवरेज जो है वो हर यूनिट को मिले, और इसमें फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाए. सो इट वॉज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. आई होप ये थोड़ा इंट्रिकेट था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ये मैंने आपकी ईज के लिए कि स्टूडेंट्स को मैंने ये समझने लगता बुक से पढ़ के, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह वीडियोस नेक्स्ट इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस वो आपकी जो रहनुमाई आपकी गाइड के लिए वो आपकी गाइडेंस के लिए इंशाल्लाह वो आती रहेंगी. अच्छा, इस तरह की इंट्रिकेसेस जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको थॉरली स्टडी करने के लिए आप मेरा जो स्टडी रिवर्स पे प्रॉपर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें थॉरली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे और इस पे कॉन्सेप्ट की 100% क्लैरिटी जो है वो पॉसिबल होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.